तो दोस्तों आज हम आपको 3333 नंबर से बटरफ्लाई का चित्र बनाना सिखाएंगे, यानी 43 नंबर से बटरफ्लाई का चित्र। आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों, 43 नंबर की हेल्प से बटरफ्लाई का चित्र। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे बनेगा, तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा। ये मेरी गारंटी है, आपको जो है 43 नंबर से बटरफ्लाई का चित्र बहुत ही आसान तरीके से बनाना आ जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप चाहते हैं मैं कोई और ड्राइंग बनाऊँ तो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे हम ऐसे पहले लिखेंगे 3, ये हमारा हो गया 2, 3। इसके बाद आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे आपको 1, 3 लिखना होगा। थोड़ा सा यहाँ से ऐसे स्पेस छोड़ के यहाँ पे 1, 3 लिख दीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे 3 लिखना होगा। नंबर की हेल्प से बटरफ्लाई का चित्र बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको करना क्या है, ऐसे 3 लिख दीजिएगा। और आपसे मेरा एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपको जो है बटरफ्लाई की स्पेलिंग आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे भी आप ऐसे उल्टा 3 लिख दीजिएगा। देखिए कितना आसान है, बस 3 नंबर से आपको जो है बटरफ्लाई का चित्र बहुत ही आसान तरीके से बनाना आ जाएगा। ये करने के बाद यहाँ से आपको करना क्या है, एक उल्टा 3 यहाँ पर भी लिख देना होगा। उल्टा 3 एक यहाँ बनाइए, इसी तरह सेम प्रोसेस आप यहाँ पर भी रिपीट कर दीजिएगा। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और आप हमें जो है बटरफ्लाई की स्पेलिंग कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे नीचे देखिए, अब तो नंबर हो गया, अब आपको एक लेटर की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे हम ऐसे एक वी लिख देंगे, ये हो गया हमारा वी। वी लिखने के बाद इसको यहाँ से ऐसे मिला दीजिए। फिर इसके बाद बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, ये करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे ऊपर की तरफ एक लेटर और आपको लिखना होगा। यहाँ पे आप ऐसे ओ लिख देंगे, ओ लिखने के बाद यहाँ पे भी आप ऐसे मिला दीजिएगा। मिलाने के बाद एक छोटा सा सर्किल यहाँ ड्रॉ कर दीजिए, एक छोटा सा सर्किल यहाँ पे आप ड्रॉ कर दीजिएगा। ये हो जाने के बाद इसको यहाँ से ऐसे मिलाइए। फिर इसके बाद एक हाफ सर्किल यहाँ ड्रॉ करिए, एक हाफ सर्किल आप यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। ये बीच वाला हिस्सा को आप ऐसे ऐसे मिलाते जाइएगा। मिलाने के बाद अब देखिए यहाँ से आपको जो है एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दीजिए, एक लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद यहाँ से आपको करना क्या है, इसको ऐसे घुमा देना है। सेम प्रोसेस हम यहाँ पे भी रिपीट कर देंगे, इसको भी ऐसे घुमा दीजिएगा दोस्तों। घुमाने के बाद आपको करना क्या है, एक पॉइंट यहाँ लगाइए, एक पॉइंट हम यहाँ पे लगा देंगे, एक यहाँ लगा दीजिए, एक नीचे की तरफ, एक यहाँ पे और एक यहाँ पर, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 पॉइंट लगा दीजिए। पॉइंट लगाने के बाद यहाँ से आपको करना क्या है, इसको हमें जो है ऐसे यहाँ पर मिला देना होगा। फिर इसी तरह सेम प्रोसेस नीचे की तरफ भी हम आ जाएंगे, यहाँ से ऐसे मिला दीजिएगा। सेम प्रोसेस हम यहाँ पर भी रिपीट कर देंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप चाहते हैं मैं कोई और ड्राइंग बनाऊँ तो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे इसको ऐसे मिलाइए, फिर इसके बाद यहाँ से ऐसे मिला दीजिएगा। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आपको इसको ऐसे डबल कर देना होगा। डबल करते हुए बहुत ही ध्यान से करिएगा, कोई जल्दबाजी मत करिएगा, यहाँ पे आप इसको मैच मत करिएगा। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, आप अगर आप इसको कलर करना चाहते हैं तो कलर कर सकते हैं, नहीं तो आप पेंसिल से शेड भी कर सकते हैं। ये करने के बाद यहाँ पे एक ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ पे आप सर्किल भी ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ पे कुछ डिज़ाइन भी बना सकते हैं। तो ये हमारा बटरफ्लाई बनके तैयार हो गया। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों।